नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सा भक्ति क्लब पर। आज का मेरा टॉपिक है भगवान श्री कृष्ण की कितनी पत्नियां थीं और भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नी होने के पीछे का क्या राज है। इस विषय में कई कथाएं और लोगों में इसको लेकर बहुत सारी ऐसी जिज्ञासाएं हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को बीच में स्किप ना करें। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की कितने विवाह हुए थे। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी का विवाह, महाभारत के अनुसार कृष्ण ने रुक्मणी का हरण कर उनसे विवाह किया था। विदर्भ के राजा भीष्मा की पुत्री रुक्मणी भगवान कृष्ण से प्रेम करती थी और उनसे विवाह करना चाहती थी। रुक्मणी स्वर्गुण संपन्न तथा अति सुंदर थी। उसके माता पिता उसका विवाह कृष्ण के साथ करना चाहते थे, किंतु रुक्मणी का भाई रुक्मी नहीं चाहता था कि उसकी बहन का विवाह भगवान कृष्ण के साथ हो। वह चाहता था कि उसकी बहन का विवाह छेदीराज शिशुपाल के साथ हो। यही कारण था कि कृष्ण को रुक्मणी का हरण कर उनसे विवाह करना पड़ा। श्री कृष्ण का जामवंती से विवाह। एक बार भगवान श्री कृष्ण सत्यजीत ने मनी चोरी करने का आरोप लगाया था। तब वह उस मनी की तलाश करते करते रायसेन जिले के जंगलों में आ गए थे। यहाँ कृष्ण ने जामवंत से जामगढ़ की गुफा के पास 27 दिनों तक युद्ध किया। जब जामवंत हारने लगे तो उन्होंने प्रभु श्री राम को पुकारा। श्री कृष्ण को तब राम रूप में प्रकट होना पड़ा। यह देख जामवंत की आंखों से आंसू निकल पड़े। बाद में जामवंत ने श्री कृष्ण को मणि दिया और अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भगवान श्री कृष्ण से कर दिया। श्री कृष्ण और सत्यभामा का विवाह। भगवान श्री कृष्ण उस मणि को लेकर वापस आ गए और जब वह मणि सत्यजीत को दिया तो सत्यजीत को गलानी हुई और लज्जा भी आई कि मैंने श्री कृष्ण जी पर चोरी का आरोप लगाया। फिर सत्यजीत ने श्री कृष्ण ने क्षमा मांगी और अपनी पुत्री सत्यभामा को श्री कृष्ण को सौंप दिया। श्री कृष्ण और कालिंदी का विवाह। पांडवों का लक्षागृह से कुशलतापूर्वक बच निकलने पर शादी की आधी यदुवंशियों के साथ लेकर श्री कृष्ण पांडवों से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ गए। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और कुंती ने उनका अतिथि पूजन किया। इस प्रवास के दौरान एक दिन अर्जुन को साथ लेकर भगवान कृष्ण ने वन विहार के लिए निकले। जिसमें वह विहार कर रहे थे वहाँ पर सूर्यपुत्र कालिंदी श्री कृष्ण के पति के रूप में पाने की कामना से तप कर रही थी। कालिंदी की मनोकामना पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण ने उनके साथ विवाह कर लिया। फिर एक दिन श्री कृष्ण उज्जैनी की राजकुमारी मित्रविंदा को स्वयंवर से वर लाए। उसके बाद श्री कृष्ण कौशल के राजा नगरजीत के साथ बैलों को एक साथ नात कर उनकी कन्या सत्या से पानी ग्रहण किया। उसके बाद श्री कृष्ण का कैकेयी की राजकुमारी भद्रा से विवाह हुआ। भद्र देश की राजकुमारी लक्ष्मणा भी श्री कृष्ण को चाहती थी, लेकिन उनके परिवार कृष्ण से विवाह के लिए राजी नहीं था। तब लक्ष्मणा को श्री कृष्ण अकेले ही हर कर ले आए। श्री कृष्ण के कितनी पत्नियां थीं? इस तरह कृष्ण की 8 पत्नियां थीं। रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। दोस्तों, यह झूठ है कि श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थीं। कृष्ण 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारिका में रह रहे थे। एक दिन स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की, हे कृष्ण, प्राग ज्योतिषपुर के दैत्यों राजा भौमासुर के अत्याचार से देवतागण त्राही त्राही कर रहे हैं। क्रूभमासुर ने वरुण का छात्र आदित्य के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है और वह त्रिलोकी विजयी हो गया है। इंद्र ने कहा, भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आमजनों की अति सुंदर कन्याओं का हरण कर उन्हें वहां बंदी गृह में डाल रखा है। कृपया उन्हें बचाइए प्रभु। मूर दैत्य का वध इंद्र की प्रार्थना स्वीकार करके श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार होकर प्राग ज्योतिषपुर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मूर दैत्यों सहित
मूर के 6 पुत्र त्राम, अंतरिक्ष, श्रावण, विवा वसु, नव श्रावण और अरुण का संहार किया। भामासुर का वध, बूम मूर दैत्यों को वध हो जाने पर समाचार सुनकर भामासुर अपने अनेक सेनापति और दैत्यों की सेनाओं को साथ लेकर युद्ध के लिए निकला। भामासुर को स्त्री के हाथों मारने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की को सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से भामासुर का वध कर डाला। इस प्रकार भामासुर को मारकर श्री कृष्ण ने उसके पुत्र को अभय दान देकर उसे प्राज्ञ ज्योतिष का राज बनाया। भगवान श्री कृष्ण की 16108 रानियों का रहस्य। भामासुर के द्वारा हरण कर लाई गई 16108 कन्या को श्री कृष्ण मुक्त कर दिए थे। यह सभी अफर्त नारियां थी। फिर भय के कारण उपहार में दी गई और किसी और माध्यम से उस कारागार में लाई गई थी। वह सभी कन्याएं भामासुर के द्वारा पीड़ित थी, दुखी थी, अपमानित थी, लांछित और कालंकित थी। सामाजिक मान्यताओं के चलते भामासुर द्वारा बंधक बनाकर रखी गई इन नारियों को कोई भी अपने अपनाने को तैयार नहीं था। तब अंत में श्री कृष्ण सभी को आश्रय दिया। ऐसा स्थिति में उन सभी कन्याओं ने श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती थी, उन्हें पति के रूप में स्वीकार किया, लेकिन श्री कृष्ण उन्हें इस तरह से नहीं मानते थे। उन सभी को श्री कृष्ण अपने साथ द्वारिकापुरी ले आए। वहाँ वे सभी कन्याएं स्वतंत्र पुरकर अपने इच्छा अनुसार सम्मानपूर्वक द्वारका में रहने लगी। वह सभी वहां भजन कीर्तन ईश्वर भक्ति आदि करके सुखपूर्वक रह रही थी। द्वारका का भय नगर जहां सभी समाज और वर्ग के लोग रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की 16108 पट रानियों का सच यही है और कृष्ण भगवान की सिर्फ और सिर्फ एक प्रेमिका थी और वह थी राधा। क्योंकि आज के लोगों में कई प्रकार की भ्रामक मान्यता है, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें और जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।